लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल साकेत में इंटर डीपीएस बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट का आयोजन 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया गया, जिसमें डीपीएस स्कूल जोन 2 के 16 टीमों ने भाग लिया। मैच का फाइनल मुकाबला डीपीएस स्कूल आरके पुरम एवं डीपीएस स्कूल सोनीपत के बीच हुआ, जिसमें सोनीपत के बच्चों ने बाजी मारी। कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर चेतन कुमार ने बताया कि पहली बार इंटर डीपीएस बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट का आयोजन 14 साल से कम उम्र के बालिकाओं के लिए किया गया। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जोगेंद्र सिंह सरन ने विजेता खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल में बच्चों की रुचि बढ़ती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब हमारा जो अंडर 14 से बच्चे अच्छे होते आएंगे तो ऑब्वियसली हम ऊपर अच्छा कर पाएंगे। आप इतने समय से बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या लगता है कि इस वक्त बास्केटबॉल की स्थिति देश में कैसी है? अभी स्थिति ठीक ठाक, ज़्यादा मैं इसको नहीं बोलूँगी ज़्यादा अच्छी, बट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अभी अच्छे कोचेज आ रहे हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारे पास ऊपर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे डीपीएस के इस टूर्नामेंट के बारे में? काफ़ी अच्छा लगता है डीपीएस, मैंने पहले भी एक बार देखा है तो डीपीएस अच्छा हर साल इनिशिएटिव लेता है और टूर्नामेंट करवाता, जिससे बच्चों को अच्छा खेलने को मिलता है। प्रैक्टिस जब बच्चे टूर्नामेंट खेलेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। बहुत अच्छा खेले थे लड़कियाँ, तो बहुत दम से दम लगा के खेली थी। पर देखिए, अंत में जीतना हारना खेल का एक रूप है। खेलते तो सभी अच्छा हैं, अल्टीमेटली सभी लोग तो विनर नहीं हो सकते, पर हमें इनके अंदर एक जो ये शक्ति पैदा करनी है कि हम हो सकते हैं। मैम, आप कैसे देखते हैं बच्चों को जो खेलते हैं, किस तरीके का भविष्य उनमें है खेल के? बात है, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है देश में, और एक जो चीज़ है कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही लोग सामने नहीं आ रहे, हर एक क्षेत्र में आ रहे हैं। तो जहाँ जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक्सेल करना चाहिए। हाँ, देखिए डीपीएस तो बहुत एक्टिव है इन चीज़ों में, उनके तो कितने स्कूल हैं और ये इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि एक तरह से एक दूसरे के साथ खेलते जाए, टूर्नामेंट्स हो, कंपटीशन हो, और डीपीएस ने हमेशा अच्छा किया है इन एरियाज़ में उनके जो